up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. Hello, students. आज हम लोग कक्षा 9वीं की हिंदी लोक भारती की पहली इकाई की पाठ 4 किताबें कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि गुलजार जी हैं। इसमें हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कवि का परिचय, पद्य संबंधी जानकारी, कठिन शब्दों के अर्थ। तो छात्रों, आइए हम लोग कवि का परिचय करते हैं। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। गुलजार जी का मूल नाम संपूरण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। आपकी प्रमुख कृतियां चौरस रात, जो कि एक लघु कथा है, रावी पार कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता का संग्रह है, खराशें कविता कहानी का कोलाज है। पद्य संबंधी जानकारी, प्रस्तुत कविता में कवि गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो छात्रों, पद्य है, इसका पद्य का हम लोग दो भाग में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला भाग है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं, कंप्यूटर की पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो छात्रों, अब हम लोग सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे। झांकती है, देखती है, अलमारी सामान रखने के लिए कई खानों वाला बड़ा तथा ऊंचा संदूक, हसरत उम्मीद आशा, तकती है देखती है, मुलाकातें मिलन मिलना, शाम संध्या, सोहबत में साथ में कटा करती, बीतती है गुजर जाती है बीत जाती है, पर्दों पर स्क्रीन पर बेचैन परेशान, आदत लत कदरें मूल्य महत्व, नजर आती नहीं दिखाई देती नहीं रिश्ते संबंध। छात्रों, अब हम लोग कविता का अर्थ पढ़ेंगे। कविता, आज का युग तकनीकी का युग है,
जिसके कारण पुस्तकों की उपयोगिता कम हो गई है। इस बात पर कवि अपनी मानसिक पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं कि ये किताबें अलमारी के अंदर बंद पड़ी हैं और अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है मानो वे अलमारी के शीशों से कवि की ओर देख रही हूं। वे इस उम्मीद से देखती हैं कि कोई उन्हें निकाले और पढ़े। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, अब तो ऐसा हो गया है कि महीने के महीने बीत जाते हैं और उन किताबों से मुलाकात ही नहीं हो पाता। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर एक समय होता था जब शाम का वक्त इन किताबों के साथ ही बीतता था, लेकिन अब इनका साथ ही छूट सा गया है। अब तो ज्यादा समय इनके बिना ही कट जाता है, कट जाते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। कवि गुलजार जी का मानना है कि जब कंप्यूटर नहीं था तब ज्यादा से ज्यादा समय इन पुस्तकों या किताबों के साथ ही बीतता था, लेकिन जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। किताबें इसके कारण, मतलब जब कवि जो होता है अपना ज्यादा से ज्यादा समय कंप्यूटर पर देने लगता है, उस पर पढ़ाई लिखाई करने लगता है, तो ये किताबें जो है बड़ी बेचैन सी रहने लगती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। इस बेचैनी की वजह से अब किताबों को नींद में चलने की सी आदत हो गई है, अर्थात ये किताबें अब कवि के सपनों में आती हैं। जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, मिस इन किताबों से मानो मूल्य का ज्ञान होता था। मिस जो कदर, जो मूल्य का ज्ञान ये कराती थी और जो जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, मीन्स जो कभी नष्ट नहीं होते थे, अर्थात जो शाश्वत होते थे, जो रिश्ते वो सुनाती थी। मानो मूल्य वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, मानो मूल्य आज घर में नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थी, ये किताबें सगे संबंधियों के बारे में बताती थी, लेकिन आज कंप्यूटर के कारण ये संबंध घरों में, समाज में नजर नहीं आते हैं। तो छात्रों, दूसरे वीडियो में हम लोग इसका अवशेष भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद छात्रों।